हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिना मेहनत करे सुपर डिलीशियस चिकन बिरयानी की रेसिपी। अगर आपके पास कम टाइम है तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है इन जस्ट वन गो। ना घंटे खड़े होकर पकाना और भूनना, बस चढ़ाइए और भूल जाइए और टेस्ट सुपर डिलीशियस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी करना है। मिक्सर में मैं गार्लिक और जिंजर लूँगी, 8 हरी मिर्च लूँगी क्योंकि मेरे घर में लाल मिर्च नहीं यूज़ करी जाती है, आप चाहें तो हरी मिर्च कम कर सकते हैं। थोड़ी सी लौंग, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काली मिर्च। साथ में 2 तेज पत्ता भी डालूंगी। आप चाहें तो इन साबुत गरम मसालों को सूखा तवे पर भून कर भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब 1 टेबलस्पून पानी मिलाकर मैं इसका पेस्ट रेडी कर लूंगी। यहाँ मैंने 4 बड़े प्याज को फ्राई कर लिया था, उसे एक बोल में डालूंगी। प्याज को फ्राई करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल यूज़ किया था। अब इसमें मैं 1 कप दही ऐड करूंगी, ये घर की दही है, आप कोई सी भी दही ले सकते हैं बट देख लीजिएगा कि वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। अब जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दूंगी। आधा कप ऑयल डालूंगी, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, 2 नींबू का रस डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ मैं 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 3/4 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच चिकन बिरयानी मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, चना मसाला, राजा मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सभी मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने लाल मिर्च यूज़ नहीं करा है, आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप करके अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च को यूज़ कर सकते हैं। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। अब चिकन को इन मसालों में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसे कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं। 2 घंटे हो गए हैं, अब मैंने यहाँ एक बर्तन में पानी चढ़ाया है, इसमें मैं 3 चम्मच नमक डालूंगी, 2 टीस्पून ऑयल डालूंगी, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 2 काली मिर्च, 2 दालचीनी, 2 लौंग, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब पानी को ढककर हाई फ्लेम पर रख दूँगी ताकि पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। जब तक पानी उबल रहा है तब तक मैं चिकन को रेडी कर लूँगी। आज मैं बिरयानी इस बड़े पतीले में बनाऊँगी। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसमें चिकन की लेयर लगाऊंगी। चिकन की एकदम फ्लैट लेयर लगानी है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चिकन एक दूसरे के ऊपर ना हो। देखिए इस तरीके से पानी उबल चुका है, अब मैं इसमें चावल डालूंगी। मैंने 3 कप बासमती चावल को 1 घंटे के लिए भिगोकर रखा था, उसे वॉश करके इसमें डाल दूंगी। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें इसे 50% कुक करना है। चावल 50% कुक हो चुका है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। अब चावल को निकालकर चिकन के ऊपर डाल देना है, ये देखिए इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का पतीला लिया है, आप कोई भी हैवी बॉटम का पैन ले सकते हैं, पर स्टील का बर्तन ना लीजिएगा वरना आपकी बिरयानी जल जाएगी। चिकन के ऊपर चावल के लेयर को बहुत अच्छे से सेट करना है। अब यहाँ मैंने येलो फूड कलर लिया है,
रेड फूड कलर लिया है। इसमें मैंने एक चम्मच पानी लिया है। इसमें मैं आधा चम्मच केवड़ा वाटर मिलाऊंगी। यहाँ मैंने दो दालचीनी, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च, दो तेज़पत्ता और थोड़ी सी लौंग लिए हैं जिसका मैं छौंक लगाऊंगी। चिकन के ऊपर चावल की लेयर को सेट करके मैं उस पर येलो फूड कलर और रेड फूड कलर डालूंगी। केवड़ा डालूंगी। अब मैं इसको ढककर छौंक रेडी करूंगी। यहाँ मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है, उसमें मैं सभी साबुत गरम मसालों को ऐड कर दूंगी और जब ये मसाले ब्राउन हो जाएंगे तब मैं इन्हें चावल के ऊपर डाल दूंगी। इससे हमारी बिरयानी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और फटाफट से इसको ढक देना है। अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कुक करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, इसे खोलूंगी और बहुत ही जल्दी से फॉइल पेपर से कवर कर दूंगी। ये काम बहुत जल्दी से करना है ताकि जो इसके अंदर स्टीम है वो बाहर ना निकले। देखिए इस तरीके से अच्छे से चारों तरफ से कवर करना है। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ रख सकते हैं ताकि स्टीम बाहर ना निकले। अब यहाँ मैंने एक हैवी बॉटम तवा को अच्छे से गर्म कर लिया है और उसके ऊपर मैं इस पतीले को रख दूंगी। अब इसे मैं लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए कुक करूंगी। 30 मिनट बाद गैस को ऑफ कर देना है, पर हमें एकदम से इसे नहीं खोलना है। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद ही हमें इसे खोलना है। अब मैं इसका फॉल पेपर रिमूव करूंगी और ये काम बहुत ध्यान से करना है क्योंकि अंदर से स्टीम निकलती है जो हाथों को जला देती है। वाओ, ब्यूटिफुल एंड बिलीव मी गाइस, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें हमने केवड़ा डाला है। अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। राइस एकदम परफेक्ट कुक हुए हैं, चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। सी गाइस, कितना डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रहा है ये देखने में। एंड बिलीव मी, इट्स सुपर डिलीशियस। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो देखा आपने, बिना कोई मेहनत करे, घंटों खड़े होके, बिना भूने हमने एक सुपर डिलीशियस बिरयानी रेडी कर ली है। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। सो गाइस, डू ट्राई दिस रेसिपी एंड एन्जॉय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।